अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन कौरमा। और कौरमा बनाने से पहले मेरी भांजी ने, लास्ट टाइम मैंने वीडियो में अदरक लहसुन का पेस्ट कहा था, तो ज़ारा ने मुझे कहा कि सना अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल नहीं कहना, ठीक है, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट कहना है। तो अब से मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ही कहूँगी। तो यहाँ पर दी चाय, और बाहर बारिश हो रही थी और चाय के बिना तो मूड नहीं था हो रहा। एक प्याज ले लिया था, दो टमाटर थे, सब्ज़ मिर्चें थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट था, साबुत धनिया, साबुत गरम मसाला था, पिसा हुआ धनिया था, हल्दी थी, कौरमा मसाला, नमक और मिर्च थी, और यहाँ पे मेरे पास हाफ के जी चिकन था, और ये सारा चीज़ें थी जो मैं कौरमा। यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, साथ में अनियन डाल दूँगी ऑयल में, और इनको अच्छे से ना हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, जो कि मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी गोल्डन ब्राउन हो चुके थे प्याज, और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था, और फिर इस सबको 2 मिनट के लिए पका लिया था ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया था और उसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया था ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और वो सब्ज़ मिर्ची डाल दी, और फिर इन सबको अच्छे से पका लिया। फिर जी मेरे पास था 1 कप दही, और मैंने कहा इसको भी चलो जी पाई लो दे चंगी गल है। तो बस जी इधर हमने डाल लिया था चिकन, उर्दू और पंजाबी मिक्स हो गया, कोई बात नहीं, एनी हाउ तो मिट्टी पाओ। फिर जी मेरे पास स्पाइसेस थे और मैंने आपको सारे बता दिए, और बस हमने वो भी इसमें ऐड कर लिए, और फिर जी ये कौरमा बिल्कुल अपने डन होने पे आ ही गया था तकरीबन। और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया डाल लिया था हमने, और बीच में मैंने 1-2 ना पुदीने के वो पत्ते डाल लिए थे, पत्ते कहते हैं शायद, जो भी कहते हैं कोई बात नहीं। तो जी यहाँ पे मेरा कौरमा बिल्कुल डन हो गया। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जी ये थी हमारे कौरमे की फाइनल लुक, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस जी फिर हमने इसको खा लिया था, 7 तंदूर की रोटियाँ थी, और बहुत ही मज़ा आया था। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।